हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैं इसके पहले वीडियो बना चुकी थी कि 6 to 9 मंथ के बेबी को क्या खिलाना चाहिए, हमें क्या सॉलिड्स देना चाहिए, कौन सी मील्स देनी चाहिए। और बच्चों के लिए नई शुरुआत होती है खाने को लेके, उनका इंट्रोडक्शन नया होता है। तो जब आपका बच्चा लिक्विड फॉर्म में 9 मंथ तक तो लिक्विड वाली चीज़ें ही खाता है, जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का माड़ हो गया, या फिर सलक ही आप खिला रहे हैं तो बहुत लिक्विड फॉर्म में ही उसको बना के आप खिलाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी, जब तक आपका बेबी अगर ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, जब तक माँ पिला पा रही है अपना ब्रेस्ट मिल्क, उसको पिलाना चाहिए बच्चे को। तो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के साथ 9th मंथ के ऊपर क्या खिलाना चाहिए, और जैसे बेबी को तो आपने खाने से इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, उसको टेस्ट मिलने लगा है, समझ में आने लगता है बच्चों को हर जो भी चीज़ें आप खिलाते हो, उसको टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो वो खाने को इंजॉय करता है, उसको खाना चाहता है। तो आप 9 मंथ्स के ऊपर बच्चों को क्या क्या खिला सकते हैं। मैं अपने बेबी को 9 मंथ्स के बाद क्या क्या खिला रही थी, और खिलाने के साथ साथ ज़रूरी है ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, यानी आप कुछ भी खिलाइए लेकिन माँ का दूध कम से कम 2 साल तक बच्चे को, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है। उसको सारी बीमारियों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका अच्छा होता है, और सारी बीमारियों से लड़ने की सबसे अच्छी जो एनर्जी शक्ति मिलती है वो माँ के दूध से मिलती है। तो ब्रेस्ट मिल्क भी साथ में आप देते रहिए। और क्या आपको खिलाना है, तो सबसे पहले मैं एक दिन में क्या क्या चीज़ें उसको खिलाती थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट में जैसे बेबी आपका अक्सर करके बच्चे जो होते हैं या तो मॉर्निंग में उठ जाते हैं, मेरा बेबी 7 बजे से पहले नहीं उठता था, वो 7:30 या 7 या फिर 8 इस टाइम पे उठता था मॉर्निंग में। तो वो उठने के तुरंत बाद, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ भी खिला दूँ वो खा ले, नहीं, उसको सिर्फ आप अगर ब्रेस्ट मिल्क दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेस्ट मिल्क बेबी नहीं ले रहा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, तो फार्मूला मिल्क जो भी है, यानी सुबह सुबह उसको उठने के बाद आप लिक्विड चीज़ें दीजिए, वो भी दूध के फॉर्म में। तो या तो माँ का दूध पिलाइए या फिर आप फार्मूला मिल्क दीजिए। तो सबसे पहले तो यही काम हो जाता था। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद बच्चा जैसे उसके बाद खेलने लगता था, और 10 बजे के करीब में आप उसको सलक बना के खिला सकते हैं, गाय के दूध में सलक बना लीजिए, या फिर बहुत लोग तो पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके उसको खिलाते हैं, लेकिन मैं गाय के दूध को गर्म करके गुनगुना में करने के बाद उसको 1 चम्मच डाल देती थी, और अच्छे से भीगने के बाद उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, और बच्चा आराम से लिक्विड फॉर्म में ये रहता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी मत बनाइए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, मतलब बच्चे के खाने के लिए सुटेबल रहे, जैसा भी बेबी आपका खाता हो। तो मैं 10 बजे के करीब में उसको सरलक खिलाती थी। उसके बाद आप कम से कम जब भी आप खाना खिलाइए तो 1-1.5 घंटे का गैप खाने में होना ही चाहिए। तो 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद 12 बजे के करीब में मैं उसको फ्रूट्स से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी थी। 9 मंथ्स के ऊपर मैं उसको क्या करती थी, एप्पल को एप्पल प्यूरी खिलाती थी। तो मैं कैसे एप्पल प्यूरी खिलाती थी, मैं क्या करती थी शुरुआत में, तो ये एक प्रकार से जैसे रोज़ एक ही चीज़ करना थोड़ा सा आलस्य आ जाता है आपको, तो आप जब भी खाना बनाते हो तो आप चावल बनाते ही हो, तो चावल बनाते समय उसी समय एप्पल के 1-2 पीस कट करके आप चावल में डाल दीजिए, और वो अच्छे से पक जाएगा। आलू की तरह जैसे आलू बॉयल हो जाता है, वैसे ही आपका, मैं एप्पल प्यूरी ही उसको देती थी, या फिर बनाना तो बनाना, थोड़ा सा बच्चे 9 मंथ से ही नहीं शुरू करते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को खाने में, और एप्पल प्यूरी की तरह हो जाता है वो, बिल्कुल मैस हो जाता है। तो मैं एप्पल प्यूरी ही देती थी, क्या करती थी चावल के साथ उसको पका लेती थी, या फिर अगर आप पानी में पकाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पकने को, तो वो पक जाएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और चावल में 1-2 सीटी में आराम से वो पकने के बाद मैं बना लेती थी और उसको एप्पल प्यूरी मैश करके खिलाती थी। तो वो 12 बजे के करीब में एप्पल प्यूरी खा लेता था। फिर 1 घंटे के बाद मैं उसको खिचड़ी जैसा, मतलब बिल्कुल भी, या तो आप अगर चावल दाल खिलाते हैं बेबी को तो चावल को बहुत अच्छे से, या तो बहुत गीला रहे चावल, या फिर चावल को थोड़ी देर भिगो के बनाएंगे तो चावल बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा, मतलब बिल्कुल भी टाइट चावल आपको नहीं खिलाना है, क्योंकि बच्चे को फंसने लगेगा, अटकने लगेगा, बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आप
खिचड़ी खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो बहुत ज़्यादा ना टाइट रहता है ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहेगा, जिस भी पतले फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में रहे तो वो बच्चों को ज़्यादा खाने में अच्छा रहता है। तो मैं खिचड़ी खिलाती थी बच्चे को, तो चावल दाल, या तो आप बहुत अच्छे से दाल की मात्रा ज़्यादा रखें और चावल थोड़ा कम रखें तो बच्चा आराम से खा लेगा। तो मैं उसको 1-1.5 बजे के करीब में चावल दाल खिलाती थी या फिर खिचड़ी बना के खिलाती थी। तो आप अगर खिचड़ी खिलाना चाहें तो खिचड़ी खिलाइए, या फिर आप चावल दाल ही, दाल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करके थोड़ा चावल 1 ही चम्मच डाल के खिलाइए। मतलब शुरुआत में आपको जो भी खिलाना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ये नहीं है कि एक कटोरी आप लेके बैठ गए बाउल में और बच्चा खाने लगेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको शुरुआत में जो भी चीज़ें बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप उसको थोड़े थोड़े फॉर्म में, यानी थोड़ी सी मात्रा, ये पहले 1 चम्मच, फिर उसके बाद से जब बच्चा उसको एंजॉय करने लगा तो 1-2 दिन के बाद थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ा दीजिए। ऐसे ऐसे जब बच्चा खाने लगेगा तो आराम से, जब उसको वो चीज़ अच्छा लगने लगेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा, तो वो खुद ही, आप जितना भी आप उसको खिलाने की कोशिश करोगी, जितना वो खाना चाहेगा खाएगा। लेकिन शुरुआत में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको खिलाइए। तो मैं दोपहर में उसको चावल दाल खिलाती थी, उसके बाद से फिर उसके सोने का टाइम होता था, तो वो बच्चे जब भी सोते हैं तो माँ का दूध अगर लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, तो माँ का दूध लेने के बाद वो सो जाता था। दिन में कम से कम 2-3 घंटे बच्चे अगर नैप लें 9 मंथ्स के ऊपर के तो अच्छी बात है। उसके पहले के भी बच्चे नैप जरूर दिन में लें तो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। इससे बच्चे को की जो थकान रहती है वो दूर हो जाती है, और नींद लेने के बाद बच्चा के शरीर में फुर्ती आती है, यानी जब उठेगा तो थोड़ी देर के लिए वो आलस से भरा रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद से वो बहुत अच्छे से खेलेगा और रात में अच्छे से अपनी नींद को पूरा करेगा। तो वो अपने दिन में नैप लेता था मेरा बेटा, और उसके बाद से फिर जब उठता था तो फिर उठने के बाद मैं उसको शाम को, जैसे कि मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, ओट्स को मैं पाउडर बना ली थी ओट्स का, और ओट्स को दूध में पका के मैं उसको शाम को 5:30 या 6:45 बजे के करीब में, 6 बजे के करीब में शाम को एक बार मैं उसको गाय के दूध में ओट्स पका के खिलाती थी। उसके बाद से फिर 8:30 बजे के करीब में मैं उसको नमक वाली चीज़ों को खिलाना चाहती थी, तो मैं क्या करती थी, दाल का पानी, जो भी दिन में मैं दाल बनाती थी, बाकी मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो दूध से रिलेटेड पकी हुई चीज़ें आप रख के ज़्यादा देर तक मत खिलाइए। हाँ, दाल आप दोपहर में बनाते हैं तो एक बार उसका दोबारा आप रात में बच्चे को उसमें रोटी का छिलका जो है वो मैश करके आप खिला सकते हैं। तो मैं रोटी का छिलका रात में उसको दाल में मिक्स करके और खिलाती थी, वो भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। वो फिर थोड़ी पहले दिन, मतलब जब शुरुआत में मैंने की थी तो वो खाना नहीं चाहता था, लेकिन आप किसी भी चीज़ को बच्चे के मामले में लेके रेगुलरिटी बनाइए, तभी बच्चा उस चीज़ को खाना शुरू करेगा। या ये नहीं है कि एक दिन नहीं खाया तो दोबारा आप उसको मत खिलाइए, जब रोज़ रोज़ आप उसके साथ लगे रहेंगे उस चीज़ में तो बच्चा ज़रूर खाएगा। तो मैं पहले दिन खिलाना जब शुरू की तो वो नहीं खाया, लेकिन मैं जब रोज़ रूटीन में वही चीज़ करने लगी, पहले दिन मैं मुझसे थोड़ी गलती हुई कि दाल की मात्रा कम थी तो बच्चा नहीं खाया, दूसरे दिन से मुझे पता चल गया कि दाल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी, रोटी का छिलका बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश होना चाहिए ताकि बच्चे को फंसे नहीं, बच्चा अच्छे से निकल सके, तो फिर वो दाल रोटी शाम को खा लेता था। उसके बाद मैं उसको नहीं खिलाती थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं होता है, इससे उनको वोमिटिंग होने की प्रॉब्लम होगी या फिर गैस बनने की प्रॉब्लम होगी। तो ये कम से कम जो भी चीज़ें आप खिलाएं 2-3 घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का अंतर रहे उसमें। तो मैं 9 बजे के करीब में उसको दाल की रोटी दाल में भिगो के रोटी का छिलका खिला देती थी मैश करके अच्छे से। उसके बाद वो कुछ नहीं खाता था, फिर ब्रश मिल लेने के बाद फिर वो सो जाता था। फिर डेली का यही रूटीन था। तो आप इस चीज़ को बच्चे को अपने 9 मंथ से लेके कम से कम 15 मंथ तक ये चीज़ें खिला सकते हैं। हाँ, और चीज़ों से भी आप इंट्रोड्यूस करवाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। यानी जैसे मान लीजिए आप साबूदाना, बहुत बच्चों को साबूदाना अच्छा लगता है, तो साबूदाने को अगर खिलाना है तो आप कम से कम उसको 1-2 घंटे पहले ही अच्छे से पानी में डीप करके रख दीजिए, भिगो के रख दीजिए। जब वो अच्छे से फूल जाएगा तो दूध में आराम से पक जाएगा, या फिर नमकीन जैसा साबूदाना आप बनाना चाहते हैं नमक वाला, तो आप उसको पकाएंगे, वो अच्छे से गल जाएगा तो बच्चा आराम से उसको खा सकेगा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ मत खिलाइए जो बच्चे के गले में फंसे, और 9 मंथ से लेकर 15 मंथ तक के बच्चों को आप यही खिलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाइए, और खिलाने
वाली चीज़ें जो भी हैं, नई चीज़ें आप खिलाना चाहते हैं जो भी बच्चे के लिए अच्छी हैं सेहत के लिए, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ मात्रा में करके आप उसको उस चीज़ से पहचान करवाइए। अगर टेस्ट अच्छा लगे तो बच्चा खाएगा। हाँ, फ्रूट्स में है, मैं एप्पल प्यूरी उसको डेली देती थी, लेकिन बीच बीच में मैं जैसे संतरा हो गया, जो भी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी तोड़ के या फिर कट करके उसको देती थी। अगर अच्छा लगेगा बच्चे को तो वो खाएगा। फ्रूट्स में आप जो भी चीज़ें आप खिलाना चाहे खिलाएं। मैं एप्पल प्यूरी बहुत दिनों तक खिलाएं, उसके बाद से फिर बनाना से इंट्रोड्यूस करवाएं। बनाना भी अब उसको अच्छा लगता है, वो डेली बनाना खाता है। तो आपको जो भी फल अच्छा लगे अपने बेबी के लिए, सही लगे, आप खिलाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा में। अगर जब अच्छा लगे तो फिर उसको आप डेली रूटीन में ले जाके खिलाइए, और आपके बेबी का इससे ग्रोथ अच्छा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। 9 to 15 मंथ के बच्चों के लिए एक बात और ज़रूरी है, सभी माँ के लिए ये जानना ज़रूरी कि अगर आपका बेबी सॉलिड्स लेने लगा है तो ये नहीं कि आप उसको कोई भी मसाले वाली चीज़ें या फिर फास्ट फूड या फिर समोसे या फिर बहुत ज़्यादा मैगी, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए बच्चे को। हाँ, अगर बच्चे को टेस्ट करवाना है तो थोड़ा सा टेस्ट करवाइए, ये नहीं कि बच्चे को लाओ ये खिला दूँ ये खिला दूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ जो चीज़ें उसको आराम से पच सके, क्योंकि अभी सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है, अभी तक तो वो लिक्विड फॉर्म पे सिर्फ डिपेंड था। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि सारी चीज़ें आप मसाले वाली खिलाइए या फिर कुछ भी आप खा रहे हो तो उसको खिला दीजिए, नहीं। सिर्फ जो इसके लिए सुटेबल हो, जो उसके पचने में आरामदायक हो, जो उसको निगलने में आरामदायक हो, वही चीज़ें खिलाइए। आप प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सभी पेरेंट्स को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।